हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है सोन और आप देख रहे हैं एसोलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तत्काल टिकट में कौन सा ऑप्शन ऐसा गेटवे का पेटीएम में, फ़ोनपे या गूगल पे कौन सा ऐसा मतलब पेमेंट मेथड यूज करें कि आपको उसमें तत्काल टिकट का मतलब सीट मिल पाए। तो ऐसा कौन सा फास्ट मतलब पेटीएम हैंडल है कि आपके द्वारा जो अगर टिकट आप बुक करते हैं तो उसको आप में उसको कन्फर्म सीट निकाल पाए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं आपको, जैसे आपने अगर टिकट करते हैं तो आपको बहुत से ऐसे मतलब पेमेंट ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि भीम UPI, मल्टीपल पे ऑप्शन, जैसा कि जैसे अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या वॉलेट, तो आप लोग ऐसा कौन से जो उनसे मतलब बुक करेंगे कि आपका टिकट कंफर्म मिल पाए और जल्दी फास्ट बुकिंग हो पाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैं नंबर एक पे प्रेफर करूँगा कि भीम UPI यूज करेंगे, जिससे कि अगर आप पेटीएम UPI या तो फ़ोनपे का UPI यूज करेंगे तो उसमें आपको टिकट कंफर्म होने के चांसेस और फास्ट, उसमें सर्वर फास्ट रहता है जिसमें आपको कोई एरर आने की मतलब आने का कोई संभावना नहीं होती है। तो उसमें आप टिकट बुकिंग पास कर पाएंगे, जैसे कि आपका जो भी आपसे UPI से जो नंबर लिंक होता है @paytm यूज करें या @YBL मतलब फ़ोनपे का UPI, तो उसमें आपके टिकट बुक होने के चांसेस कंफर्म सीट मिलने के तत्काल में आपको ज़्यादा चांस रहते हैं। और नंबर दो की बात करें, जैसे कि अगर आप फ़ोनपे वॉलेट यूज करते हैं या नंबर फोन पेटीएम वॉलेट, तो पेटीएम वॉलेट में आपको इसमें थोड़ा सा यह होता है कि OTP आने में थोड़ा सा वेट टाइम लग जाता है इसमें, जैसे कि अगर आप नंबर डालते हैं पेटीएम का, उसमें थोड़ा सा वेट OTP आएगा, तो OTP आने के बाद आपको ओके करना होता है जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जैसे उसमें अगर आप बिजी रूट पर टिकट निकालते हैं तो उसमें आपको सीट कंफर्म नहीं मिल पाती है और सीट। और नंबर तीन की बात करें तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से अगर आप बुक करते हैं तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है आपको क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड का नंबर भरने में, फिर CVV और एक्सपायरी मंथ ईयर जो भी डालना होता है उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिससे कि आप अगर डालेंगे तो उसके बाद एक OTP भी आएगा, उस OTP के बाद डालेंगे तो तब तक आपका पूरा प्रोसेस करने में पूरा टाइम ख़त्म हो जाता है और बिजी रूट की टिकट तो नहीं मिल पाती है। अगर ऐसी कोई ट्रेन टिकट हो जिससे कि मतलब कम जिससे कि आपको मिलती हो उपलब्ध, जो बिजी रूट ना हो तो उसमें मिल सकता है, लेकिन अगर आप बिजी रूट की टिकट निकालेंगे तत्काल तो उसमें संभावना ख़त्म हो जाए। और नंबर चार पर बात करें तो आपको नेट बैंकिंग भी एक मतलब आपको लगभग अगर नॉर्मल टिकट निकालते हैं तो नेट बैंकिंग अच्छा ऑप्शन है, लेकिन तत्काल टिकट के लिए यह अच्छा नहीं होता है क्योंकि तत्काल टिकट में आपको सब चीज़ें फास्ट होनी चाहिए। लेकिन नेट बैंकिंग में क्या होता है कि नेट बैंकिंग में आप एक बार ID पासवर्ड करके लॉगिन करेंगे, उसके बाद ट्रांजेक्शन पासवर्ड उस पर डालेंगे, ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालने के बाद आपको फिर से एक OTP आता है, उस OTP को आप भरेंगे तब जाके आपको पेमेंट सक्सेसफुल होता है। तब तक के लिए तो करने में पूरा प्रोसेस करने में आपका पूरा टाइम चला जाता है और तब तक के लिए सीट अनवेलेबल हो जाती है तत्काल टिकट में, तो आपको कंफर्म सीट नहीं मिल पाती है। तो ये सब होते हैं पेमेंट मेथड जिससे कि आप लोग अगर यूज करते हैं तत्काल टिकट के लिए। तो नंबर एक पे यही है कि भीम UPI का पेमेंट यूज करें, @paytm या @YBL या ये दोनों अगर यूज करते हैं तो आपका टिकट बुक होने में संभावना ज़्यादा रहती है कि आपको टिकट कन्फर्म मिल पाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात किया कि तत्काल टिकट के लिए बेस्ट पेमेंट ऑप्शन क्या है। बेस्ट पेमेंट ऑप्शन के लिए नंबर एक पे यही है कि पेटीएम UPI करें या तो फ़ोनपे का UPI यूज करेंगे तो आपको कन्फर्म चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।